नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जुपिटर इन्फो चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में हम जो है दोस्तों कक्षा 10 की यानी कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है विद्युत धारा, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो बहुत से छात्रों ने मतलब रिक्वेस्ट भेजी थी, कमेंट की थी कि सर प्लीज़ आप जो है इसके क्वेश्चन आंसर करवाइए, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाइए। तो मैं आपके लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेके नहीं आया हूँ, बल्कि सपोर्टिंग मटेरियल के क्वेश्चन के आंसर्स आपको करवाने वाला हूँ मैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और इसी में से हो सकता है शायद आपके एग्जाम में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। और अगर सेम टू सेम नहीं आया तो आपको ठीक है इन क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप आराम से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इस चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ, और इस बार भी मैं आपको बता दूँ कि 50 रुपीज़ का कॉन्टेस्ट होता है हमारी हर वीडियो पे, तो आज भी आपको 50 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा और उसके बाद अपना जवाब दीजिएगा। ओके, और आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे जो है दिया गया है, ठीक है ना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, उसे ओपन करके आप सारे लिंक्स देख लीजिए। ठीक है, लिंक्स किस चीज़ के, कि इस वीडियो के यानी इस चैप्टर के विद्युत के मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखी है अलग अलग, एनसीईआरटी के नोट्स को भी पढ़ाया गया है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स भी कराए गए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के नीचे जो लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें मैं आपको लिंक्स दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा इसके और वीडियो। चलिए क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। अब क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या पूछा गया है, एक वन मार्क से क्वेश्चन है कि निम्न के ऐसे मात्रक लिखो विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक, तो दोस्तों विद्युत धारा का जो ऐसे ही मात्रक है, ठीक है, फर्स्ट का ए, वो होता है क्या, विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक होता है एम्पियर। ओके, सॉरी इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख देता हूँ मैं, एम्पियर। ओके, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। सेकेंड पढ़ते हैं कि विभवांतर, विभवांतर का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, दोस्तों विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट, क्या होगा, वोल्ट। ओके, हिंदी में लिखे इंग्लिश में लिखे एक ही बात है, और इसको स्मॉल वी से दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सी की बात कर लेते हैं, क्या पूछा गया, प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक होता है ओम। ओके, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पहले बता रहा हूँ। और फिर डी देखते हैं, डी में क्या पूछा गया, उपयुक्त विद्युत, उपभुक्त विद्युत ऊर्जा। अब उपभुक्त विद्युत ऊर्जा की बात कर रहा है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, जहाँ भी आपको ये शब्द मिल जाए ऊर्जा, उसका ऐसे ही मात्रक हमेशा जूल होता है। क्या होता है, जूल, चाहे कुछ भी हो, कोई भी ऊर्जा हो, उसका ऐसे ही मात्रक क्या होगा, जूल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इस बात को, कि कोई भी ऊर्जा हो उसका ऐसा ही मात्रक, ठीक है ना, वो होता है क्या, जूल। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिरोधकता को परिभाषित करो। देखते रहिए ध्यान से, सब कुछ आपको बताया जाएगा। प्रतिरोधकता की बात कर दी अब इन्होंने, किस चीज़ की, प्रतिरोधकता की। तो चलिए प्रतिरोधकता हेडिंग डाल लेते हैं। दोस्तों प्रतिरोधकता कहते किसे हैं, आपको ये समझना होगा। ठीक है, प्रतिरोधकता क्या होती है, तो आप प्रतिरोध जानते हैं, किसी चालक की, चालक का वह गुण जिसके अंदर से वो अपने अंदर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को रोकता है। ठीक है, तो उसको हम प्रतिरोध कहते हैं, तो प्रतिरोध से ही बना है प्रतिरोधकता। ठीक है, तो प्रति इकाई, ठीक है, प्रति इकाई लंबाई, प्रति इकाई लंबाई समझते हैं, यानी एक मीटर। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 मीटर। ओके, प्रति इकाई लंबाई में उत्पन्न प्रतिरोध को, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, प्रति इकाई लंबाई में उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, प्रति इकाई लंबाई में उत्पन्न प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल। अब इसे आप बताएंगे कैसे, अगर आपको समझ ना आए तो आप सिंपल कह सकते हैं, क्या आप सिंपल ये कहेंगे कि प्रति इकाई यानी कि एक मीटर, एक मीटर चालक की लंबाई में उत्पन्न प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब उसके बाद जो है कि अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है धारा को मापने वाला यंत्र। हाँ, तो चलिए बता देते हैं ना क्या हो गया धारा का मापने वाला यंत्र, ये था सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड का, ठीक है, हेडिंग डालते जाएंगे और साथ में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना उतारने में। तो विद्युत धारा को यानी कि धारा बोला, तो इसका मतलब क्या है, धारा को मापने वाला यंत्र, तो दोस्तों वो होता है एमीटर। ठीक है, एमीटर लिख दिया मैंने, आप एमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, ऐसे। ओके, और इंग्लिश में से ऐसे लिखते हैं,
तो प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये ठीक है असली। तो एमीटर जो है, और मैं आपको ये बता देता हूँ, ये हमेशा लगता है श्रेणी क्रम में, ठीक है ना, याद रखिएगा। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। अगर आपको नहीं पता है श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम क्या है, तो आप जो है जो नीचे लिंक दिया है वीडियो के, वो देख लीजिए वीडियो, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि बल्ब के फिलामेंट तंतु के तत्व का नाम बताओ। तो बल्ब का जो फिलामेंट है, तंतु का जो तत्व होता है वो क्या होता है? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि टंगस्टन, ठीक है, इस्तेमाल होता है बल्ब के फिलामेंट में, ठीक है ना, टंगस्टन धातु। कौन सी धातु? टंगस्टन। ओके, अब बात करते हैं, बंद मत हो बेटा। अब मैंने बल्ब लगा रखा ना, स्टडी लैम्प, तो वो जो है हिल रहा था। तो चलिए अब देख लेते हैं फिफ्थ। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया कि प्रतिरोधों के संयोजन के प्रकार बताइए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आ गया, जैसे कि मैं यहाँ पे इसके जिक्र कर रहा था कि प्रतिरोधों के संयोजन का प्रकार, ठीक है, तो प्रतिरोध का संयोजन, तो प्रतिरोध का संयोजन या प्रतिरोध के संयोजन दोस्तों दो तरीके से होते हैं। पहला जो होता है वो होता है श्रेणी क्रम, ठीक है। जो भी प्रतिरोध होता है वो दो तरीके से संयोजित किया जा सकता है सर्किट में, इलेक्ट्रिक विद्युत परिपथ में, ठीक है। दूसरा होता है पार्श्व क्रम। ओके, श्रेणी क्रम क्या होता है कि अगर हमें वस्तु को हम ऐसे जोड़ रहे हैं, देखिए, ठीक है ना, जो भी कंपोनेंट है उसको ऐसे जोड़ते हैं, और पार्श्व क्रम में हम क्या करते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, देखिए ऐसे जोड़ते हैं पार्श्व क्रम में। मैं आपको एक, ठीक है ना, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये पार्श्व क्रम में जुड़ा है। ओके, ऐसे सर्किट बन जाएगा, ऐसे विद्युत धारा, यहाँ पे बैटरी लगा दीजिए, प्लस माइनस थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ओके, और ये है श्रेणी क्रम में, ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगा सकते हैं आप, बड़ा वाला प्लस होता है, प्लस और ये माइनस। ओके, तो इस तरह से जो है क्या कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, नो प्रॉब्लम। उसका जो अगला क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाला, ठीक है ना, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि वोल्ट मीटर में एमीटर परिपथ में कैसे जुड़ जाते हैं। ये लीजिए प्रश्न भी आ गया जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। वोल्ट मीटर वे अमीटर परिपथ में कैसे जुड़ जाते हैं, तो देखिए याद रखिए, ये जो अभी हमने डायग्राम बनाया इसी की भी जरूरत पड़ी हमें। वोल्ट मीटर, हाँ, वोल्ट मीटर क्या करता है तो ये भी समझ लीजिए आप। वोल्ट मीटर का कार्य होता है क्या? वोल्ट मीटर का कार्य है विभवांतर को नापना, और इसको जोड़ते कैसे, तो इसको जोड़ते हैं श्रेणी पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम में, ठीक है, सॉरी, कैसे, जैसे मान लीजिए आपका कोई यंत्र ऐसे, कोई जो है कि लोड लगाए ऐसे, ठीक है ना, लोड मतलब कोई यंत्र लगाए, तो इसके साथ हम वोल्ट मीटर ऐसे जोड़ेंगे। देखिए यह है वोल्ट मीटर का साइन, ऐसे जोड़ा जाएगा अगर ये सर्किट है, ठीक है, तो ये प्लस प्लस और ये माइनस, तो ऐसे जो है कि जोड़ा जाएगा, इधर से करंट जा रहा है, ओके, प्लस से नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ऐसे जोड़ा जाएगा, इसे बोलते हैं वोल्ट मीटर को कौन से क्रम में, पार्श्व क्रम में, कौन से क्रम में, पार्श्व क्रम में, ठीक है, ऐसे जैसे मैंने अभी यहाँ दिखाया है। और अमीटर की बात कर रहा है ये, ठीक है ना, एमीटर बोलिए, अमीटर बोलिए, एक ही बात है। ओके, इसमें एमीटर लिखा है, हिंदी कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हो गई, एमीटर, तो एमीटर जुड़ता है श्रेणी क्रम में, कैसे जुड़ता है श्रेणी क्रम में, ध्यान रखिए, मैंने ऊपर भी बताया आपको, श्रेणी क्रम में। अब जोड़ेंगे कैसे, तो इसको ऐसे जोड़ेंगे, मान लीजिए लोड है और हमें इसका जो है कि करंट मेजर करना है, तो हम ऐसे जोड़ेंगे, ये श्रेणी क्रम में है, ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। और मान लीजिए हमें प्लस लेता हूँ, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, ओके, तो करंट इधर से जाएगा और ऐसे इसके अंदर से फ्लो होकर इधर आएगा, ओके, नेगेटिव तरफ, तो हमें इसके विद्युत धारा जो है पता चल जाएगी। ओके, ऊपर की तरफ थोड़ा करता हूँ। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे पढ़ाई को, टेंशन ना लें, फ्री होके पढ़ें, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ ना आए तो आप कमेंट करिए, नीचे कमेंट सेक्शन दिया है, कमेंट करिए, मेरी कोशिश होती है कि आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझाऊँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो और कमेंट करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन कमेंट करिए, बताइए कैसे लगी वीडियो आपको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि बल्ब का तंतु उच्च गलनांक वाला क्यों होता है। बल्ब का तंतु उच्च गलनांक वाला क्यों होता है, तो ये 7वां प्रश्न है। तो आप खुद सोचिए कि जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ठीक है ना, बल्ब का तंतु, हाँ, तो जो तंतु होता है बल्ब का उच्च गलनांक वाला क्यों होता है, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो, ठीक है। अगर वो कम ताप, मतलब ये तो सिंपल है, गल ना जाए, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। क्या होता है कि
जो बल्ब का तंतु होता है उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत अधिक जो है कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, और अगर अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी तो अगर तंतु का गलनांक कम होगा तो वो फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज मतलब वो खराब हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक है ना। तो बस इसका ध्यान रखें और कुछ नहीं ज़्यादा, ठीक है। अधिक गलनांक नहीं होगा तो क्या होगा, बल्ब का तंतु गल जाएगा, इसलिए उसका दाब यानी उसका जो गलनांक है वो उच्च होता है। ओके, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और वो है आठवां। अभी क्या पूछा गया, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि फ्यूज के तार विद्युत उपकरणों को कैसे बचाती है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि फ्यूज की तार विद्युत उपकरणों को कैसे बचाएगी। आप सोचिए, तो देखिए अब मैं आपको एक बात बता दूँ कैसे ये काम करते हैं। फ्यूज के तार, फ्यूज के तार विद्युत उपकरणों कैसे बचाती हैं। क्या होता है कि दोस्तों, फ्यूज के तारों की ना रेटिंग होती है। रेटिंग मतलब जैसे मान लीजिए 5 एम्पियर, 10 एम्पियर या फिर 15 एम्पियर। ओके, तो 5 एम्पियर, 10 एम्पियर या 15 एम्पियर ऐसे। और आपके जो घर के उपकरण हैं वो भी जो है कैसे होते हैं, तो 2 एम्पियर भी होता है, ऐसी बात नहीं है, 2 एम्पियर भी होता है। मान लीजिए आपके जो घर में उपकरण हैं विद्युत उपकरण, उनका जो पावर सप्लाई है वो मान लीजिए 5 एम्पियर की, एक हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 5 एम्पियर की है। अब क्या होगा कि मान लीजिए अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ कहीं पे, और जो मेन सप्लाई आ रही है उससे इतना ज़्यादा करंट आया, मान लीजिए उसमें करंट आया कितने एम्पियर का, 25 एम्पियर का करंट आ गया, शॉर्ट सर्किट हुआ और 25 एम्पियर करंट आया। लेकिन आपका यंत्र तो कितने पर चलता है, 5 एम्पियर पर, तो अब 25 एम्पियर आएगा तो क्या होगा, जल जाएगा, है ना, बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा, आग लग जाएगी उसमें। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए हम लगाते हैं फ्यूज। ओके, अब इसका क्या काम है वो समझ लीजिए। फ्यूज तो 5 एम्पियर का है, तो ये ऐसा तार होगा जो 5 एम्पियर से जैसे ही करंट ऊपर जाएगा ये हो जाएगा मेल्ट। मेल्ट का मतलब है गल जाएगा, ठीक है, सिंपल। कि 5 एम्पियर से अगर ज़्यादा हुआ करंट तो ये गल जाएगा, क्योंकि इसकी रेडिंग है 5 एम्पियर। तो ये ऐसे पदार्थ से बनाया गया होगा कि 5 एम्पियर करंट से अगर अधिक करंट होगा, 5 एम्पियर विद्युत धारा से अगर अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज टूट जाएगा, गल जाएगा, जिसकी वजह से विद्युत धारा आगे नहीं जाएगी और हमारा जो यंत्र है, जो उपकरण है, वो बचा रहेगा, ठीक है, सुरक्षित रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना, यही इसका उपयोग है। समझ में आ गई बात। यानी क्या क्या लिखेंगे आप, कि फ्यूज हमारे उपकरणों को शॉर्ट सर्किट से बचाता है, जलने से बचाता है, खराब होने से बचाता है। कैसे, कि अगर आवश्यकता से अधिक करंट आता है, विद्युत धारा आती है, तो वो गल जाता है, जिसकी वजह से विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती और हमारा जो यंत्र है वो बचा रह जाता है। ओके, तो ये तो हो गया दोस्तों 7-8 क्वेश्चन हो गए। अब जो है नवा क्वेश्चन लेते हैं, चलिए इधर लगा देते हैं सीट पहले। तो नवा क्वेश्चन लेते हैं। नवा क्वेश्चन क्या है देखिए, अब नवा क्वेश्चन मतलब इसका चौथा क्वेश्चन। तो 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, चलिए इसी के हिसाब से लिखता हूँ, ठीक है ना, ताकि प्रॉब्लम ना हो। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है 9। तो 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, तो आप सोचिए कितने जूल होंगे 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट आवर। पूरा क्या लिखा है, 1 किलोवाट आवर। दोस्तों याद रखें, ठीक है, क्या याद रखना है आपको, कि जब कभी भी, ठीक है थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, फोकस जो है मेरे हाथ पे आ जा रहा है, तो जब कभी भी आप इस बात का ध्यान रखें, जब कभी भी किलो का वर्ड आ जाए, किलो वर्ड, जैसे देखिए किलो आ गया, तो इसका मतलब होता है 1000, क्या होता है, 1000 वाट आवर। ओके, अब 1000 वाट हो गया, है ना, तो 1000 वाट को अगर आप 1000 को ऐसे लिखें, वाट और गुणे में, आवर को, आवर को किस में बदले, 60 मिनट और गुणे में 60 सेकेंड, तो ये 3600 सेकेंड बदल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बदलना है आपको जूल में। तो आपके पास आ गए 1000, ठीक है, मल्टीपल 3600, ठीक है, 1000 मल्टीपल 3600 सेकेंड, तो ये वाट है, तो वाट सेकेंड आएगा, क्या आएगा, दोनों को मिला के वाट सेकेंड। ओके, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू मल्टीपल, अब गुणा कर देते हैं सिंपल, 600 और 30 और, इतने वाट सेकेंड। अब दोस्तों वाट सेकेंड लिखिए या फिर इसको लिखिए 3600000। ये चीटियाँ आ गई पता नहीं कहाँ से, अरे भाई जाओ यहाँ पे, क्या कर रहे हो, पढ़ाई करनी है, रात के 1:30 बज रहे हैं। तो अभी हो गया जूल।
ओके दोस्तों, इसे क्या होता है ना, साइंटिफिक में लिखना होता है। साइंटिफिक तरीका ये होता है कि एक अंक के बाद हम लगाते हैं क्या, एक अंक के बाद हम लगाते हैं डेसिमल, ठीक है ना। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे 3.6 और मल्टीपल 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, 6 0 है तो 6 लगाइए, ठीक है, इतने जूल हो गया। तो 1 किलोवाट आवर में, इसको ध्यान कर लें आप, 1 किलोवाट आवर में यानी 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, उसमें होते हैं 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ओके तो चलिए, नौवां भी क्वेश्चन हो गया, अब दसवां क्वेश्चन देखते हैं। तो दसवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दिखाते हैं आपको। गाड़ियाँ बहुत चलती हैं, रात के 12-1 बजे भी अगर शांति से 1 बजे भी 1.5 बजे भी करो ना, तो ये ऐसी जगह में रहता हूँ, परेशान हो गया हूँ मैं। लेकिन अगर आप लोगों की दुआ रही, आप लोगों ने वीडियो को सपोर्ट किया, सब कुछ किया, तो शायद 1-2 साल में मैं घर चेंज कर पाऊँगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि पी आई तथा वी में संबंध बताओ। बहुत ही आसान है, आप बता सकते हैं। देखिए, एक फॉर्मूला होता है पी इक्वल वी आई, ओके, ये है संबंध, ये फॉर्मूला है शक्ति का, ठीक है। यहाँ पर जरूर बताइए कि पी क्या है, शक्ति, पावर, ओके, और वी क्या है, विभवांतर, और आई क्या है, तो आप समझे गए होंगे, आई क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ओके। तो अब जो है बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, इसमें जो है मैंने अगली बार चलिए सही कर लूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, ओके, यानी किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। अब चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो सबसे पहला जो कारक है वह है चालक की प्रकृति, चालक के ऐसे लिखते हैं ढंग से, पदार्थ की प्रकृति, ठीक है ना, चालक के पदार्थ की प्रकृति, यानी कि चालक किस पदार्थ से बना है उसकी प्रकृति, ओके। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, गाड़ी आ रही, देखिए शोर सुनाई देगा आपको, लेकिन सॉरी, क्या करें, चालक के पदार्थ की प्रकृति। दूसरा, चालक की लंबाई दोस्तों, लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है वह है चालक के अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल, चालक के अनुप्रस्थ, अभी अनुप्रस्थ क्या है चलिए मैं भी समझाता हूँ आपको, अनुप्रस्थ काठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख देता हूँ, अनुप्रस्थ ना ये होता है, देखिए उधर चल गया पेन, सॉरी, ये देख रहे हैं आप, ये जो ऊपर वाला भाग है इसका, ये अनुप्रस्थ कहलाता है, ओके, समझ में आई बात। यानी अनुप्रस्थ का मतलब है कि अगर मैं इसको ऐसे काटूँ, ऐसे काटूँ और ऊपर वाला भाग देखूँ ये वाला, तो मुझे कुछ ऐसे दिखाई देगा ये, ठीक है ना, ये ऐसे, तो इसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। कीड़े मकोड़े भी आ रहे हैं यार, ये भी पढ़ने आ गए हैं, चलो बेटा चलो घर भागो, ठीक है। और चौथी चीज़ जो है वो क्या है, तो वो है चालक का तापमान, चालक का तापमान। तो इन चार चीज़ों पे किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो निर्भर, यानी प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो इन चार कारकों पर निर्भर करता है प्रतिरोध। पहला, चालक के पदार्थ की प्रकृति, दूसरा, चालक की लंबाई, तीसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये 2 नंबर वाले भी हो गए हमारे, अब चलिए 3 नंबर वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोस्तों बिल्कुल नेचुरल आपको पढ़ाया जा रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें और शेयर ज़रूर कर दिया करो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखा करो, पूरा देखा करो, पूरा देखोगे तभी सीखोगे, सिर्फ वीडियो देखोगे तब भी आपको बहुत कुछ आ जाएगा, लेकिन अगर बिल्कुल ऐसे ही टाइम पास करोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो चलिए, इसमें 12 की जगह मैं 1 लिखता हूँ, है ना, कन्फ्यूजन ना होता कि 3 मार्क्स वाले कौन से, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन अभी, ओके। तो 3 मार्क्स वाले में देखता हूँ, पहला क्वेश्चन तो लिखा है ओम का नियम बताओ। अच्छा, वी आई तथा आर के बीच में संबंध व्युत्पन्न करो, वी तथा आई के बीच में ग्राफ खींचो, ओके। तो ठीक है, ओम का नियम बताते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कुछ बना दूं यहाँ पे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक चालक है, ठीक है ना, ऐसे एक चालक है हमारे पास, ओके, और इसके 2 सिरे हैं, एक ये है दूसरा ये है, ठीक है, इसको मान लेते हैं, चलिए मानना क्या है ये समझ लीजिए, ये ए और बी नाम ले लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी रहेगी मुझे, ठीक है। एक चालक है, चालक के 2 सिरे हैं, ओके। तो अब ओम का नियम क्या कहता है ये समझ लीजिए, ओम के नियम के अनुसार
तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ठीक है, उसके उसके दोनों सिरों के बीच, उसके दोनों सिरों के बीच, ठीक है ना, देखिए ये दो सिरे हो गए ए और बी। किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के, ओके, उसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। अब देखिए ध्यान से क्या होती है, समानुपाती, समानुपाती होती है, ओके। यानी कि जो चालक होता है इसके इन दोनों के, ये जो दोनों के बीच में जो विभवांतर होगा उसके समानुपाती होगी, ठीक है ना। लेकिन एक कंडीशन है कि तापमान स्थिर रहना चाहिए, क्या तापमान, एक शर्त है तापमान स्थिर हो, क्या हो, तापमान स्थिर हो। जैसे कि हमने ऊपर बताया तापमान अगर बदलता है तो प्रतिरोधी बदलता है, तो फिर कई चीज़ें बदल जाएंगी, तो इसलिए तापमान स्थिर रहना चाहिए, ओके। तो देखिए विभवांतर को हम वी से लेते हैं और ये समानुपात का निशान है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। आई का मतलब क्या, विद्युत धारा, आई का मतलब विद्युत धारा, ठीक है। तो ये संबंध है इसमें, इसका मतलब क्या मैं समझा देता हूँ, जहाँ कहीं भी साइन लगाओ ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, समानुपाती। तो समानुपाती के जो साइन है ये दर्शाता है कि अगर करंट बढ़ेगा यानी विद्युत धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा, या फिर विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी, दोनों में से कोई भी कम होगा तो, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, और ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली वो हैं, रिलेट करते हैं डायरेक्टली, यानी कि सीधा संबंध है दोनों में, इसलिए समानुपाती। तो ये जो साइन है ना इसको हटाना पड़ता है, और साइन को हटा के हम कैसे लाएंगे, इक्वल का निशान, और ये जो इसकी जगह आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर, ठीक है। आर यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का मतलब है, ठीक है, स्थिर है, स्थिर, स्थिरांक है यहाँ पर, यानी आर की ना फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, तो इसलिए इसे स्थिरांक कहते हैं, ओके। और क्या बोला गया था ये भी देख लेते हैं, बोला गया था कि वी आई और आर के बीच संबंध व्युत्पन्न करो, तो संबंध हमने व्युत्पन्न कर दिया, व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न करना था, तो ये हो गया आपका संबंध, ठीक है, उत्पन्न। उसके बाद बोला है कि वी तथा आई के बीच ग्राफ खींचो, हाँ ये ऐसी प्रश्न आता है, मैं आपको पहले बता दूँ ऐसे ही आएगा सेम टू सेम जैसे इसने पूछा है, ठीक है। तो चलिए ग्राफ खींच देते हैं, अब देखिए डायरेक्टली बोला ना मैंने, तो अभी समझ में आ जाएगा आपको, ये देखिए, अब मान लीजिए इधर जो है कि आई है और इधर वी है, कुछ कहीं भी ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर वी दिया है विभवांतर, इधर विद्युत धारा दी है, तो करंट, ये जो ग्राफ बनेगा ना इसका, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, चाहे यहाँ से शुरू हो, 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 कहीं से भी शुरू होगा, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, ये समानुपातिक होता है, इसलिए कहीं से भी शुरू हो ये जो विद्युत धारा होगी, ठीक है, और ये विभवांतर, इन दोनों का जो ग्राफ आएगा वो हमेशा सरल रेखा ग्राफ आएगा, सीधी रेखा का ग्राफ आएगा, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी शुरू हो, ओके। तो ये तो था ओम्स लॉ, और ओम के नियम का ये सब कुछ पूरा होता है, ठीक है ना, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर वीडियो बड़ी हो रही हो तो क्या मैं इसे बंद करूं यहाँ पे, लेकिन देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और अगर हो जाते हैं तो, ठीक है ना, फिर आपको अगले पार्ट में पढ़ाएंगे और चीज़ें, तो देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जूल का नियम, जूल का विद्युत धारा का तापन नियम क्या है, इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न करो। अच्छा, तो शोर हो रहा है, तो दोस्तों यहीं पर ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत शोर हो रहा है बैकग्राउंड में जिससे डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ पूछूंगा, ठीक है। तो आज का प्रश्न ले लेते हैं, चलिए आज का प्रश्न क्या है, तो आज का प्रश्न सुनिए, पहले क्वेश्चन में इस वीडियो के, ठीक है ना, इस वीडियो के पहले क्वेश्चन में, पहले प्रश्न में कितनी
भौतिक राशियों का ऐसे ही मात्रक बताए गए, ऐसी मात्रक का नाम बताए गए, नाम बताया गया है। ठीक है, यानी इस वीडियो में जो पहला प्रश्न था ना, उसमें कितनी भौतिक राशियों का ऐसा ही मात्रक बताए गए, आपको बस गिन के बताना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, देखते रहिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और मन लगा के पढ़िए।